स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी इस दिन सारे विश्व में गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या की गुण. परंतु इस दिन का वैशिष्ट्य क्या है ये भी जानना आवश्यक है, उसकी पौराणिक कथा है. ये बप्पा ये या भक्तांना दर्शन द्यायला ये. क्योंकि इनके पास सारी चीजों का ज्ञान है इसलिए, और हम सब उनके लाड़के प्रिय पात्र हैं. तो अभी आज जो भी है गुरुजी का नीचे हम लोग गणपति बप्पा की मूर्ति लाने जा रहे हैं. तो अभी चलते, तो आज के ब्लॉग में आपको गणपति की स्थापना और सारी चीजें देखने मिलेगी. सबसे पहले हम लोग अभी चलते जैसे मूर्ति पसंद करने, तो एक बार बाप्पा का नाम लेके चलते. और आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं. तो चलो चलते गणपति बप्पा. अभी हम लोग सब जा रहे हैं गणपति बप्पा की मूर्ती लेने. चलो चलते गणपति बप्पा. कुठली जागा? मुकाई चौक मध्ये चाललो आपण. अभी हम लोग मुकाई चौक में है, और यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं तिकडे हायवे पलीकडे हायवे. ओके, आणि तू कुठे चाललो आता? आधी ते मुकाई चौकला बघणार आहे. आणि त्यानंतर बघू तिकडे भेटलो. ओके चला गणपती बाप्पा. आता आम्ही चाललोय गणपती आणायला. कुठे? आपण गणपती आणायला चाललोय इथे रावेतला. रावेतला. चला गणपती बाप्पा, आता पुढे तुम्हाला मूर्ती कसे ते दाखवतो. चला गणपती बाप्पा. चला अभी हम पहुंच गए मूर्ती लेने. दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम लोग गणेश चतुर्थी क्यों बनाते हो उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी. और अभी हम लोग आए हैं रावेत में मूर्ती लेने, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा मूर्ति पसंद नहीं है क्योंकि जो पापा की मूर्ति पे जो कलर दिया था वो बहुत ज़्यादा डार्क था. लेकिन ज़्यादा करके पुणे के बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये मूर्तियों का कारखाना है, यहाँ पे मूर्ति बनती है. लेकिन बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर दिए थे, इसके लिए यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं मुकाई चौक में क्योंकि यहाँ पर मूर्ति हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई. ये वाली का कुछ बोलते हैं. अरे हाँ, ती पण मस्त आहे. कृष्णा जी ना गणपती बाप्पा मोर. सुन ना, वो मूर्ती थी का माखी वो रेड वाली? वो रेड रेड दिखा ऊपर. बताओ बताओ कितना फुट है वो? गणपति बाप्पा धुळे का याच्यावरती कपडा लेके. यहाँ पुणे में मैंने एक चीज नोटिस किया है, यहाँ पे मतलब जगह जगह पे आपको गणपति बप्पा की मूर्ति है. मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे आपको गणेश भगवान की मूर्ति नहीं मिलेगी. मूर्ति पसंद की हम लोगों ने, ये वाली मूर्ति. अभी आगे आपको आगे दिखाऊंगा मूर्ति लेते समय. चलो चलो मूर्ति मूर्ति बाप्पा गणपति बाप्पा आता आले गणपति बाप्पा मूर्ति मोर्या गणपति बाप्पा मोर्या तो बघूडे हा छोटा गणपती. मोर्या विराजमान होता है गणपति बाप्पा.
गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. इकडे हा आता हा सागरला तर उत्साह आला, उत्साह नुसता. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. चला गणपती बाप्पा मोरया, सावकाश बघा वरती. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी, इस दिन सारे विश्व में गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज से आनंदोत्सव किया जाता है. बहुसंख्यक घरों में बाप्पा को लाके उसकी प्रतिष्ठापना की जाती है और जगह जगह अनेक मंडप, सार्वजनिक गणपति उत्सव के मंडप हो जाते हैं और सारा मंगलमय वातावरण हो जाता है. परंतु इस दिन का वैशिष्ट्य क्या है ये भी जानना आवश्यक है, उसकी पौराणिक कथा है. अपने भोले बाबा शिव जी तपश्चर्या को बैठे, परंतु माँ पार्वती को अकेलापन सताने लगा और पुत्र कामना भी होने लगी. तो माँ पार्वती ने महागणेश की आराधना की और उसे अपने पुत्र के रूप में इच्छा की. माँ पार्वती ने बड़ी लगन से सुंदर बालक की पार्थिव मूर्ति बनाई, अर्थात मिट्टी की मूर्ति बनाई और तीव्र इच्छा करने पर गणेश जी का प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो गई और इस तरह से माँ पार्वती को बाल गणेश प्राप्त हुए. उसी प्रकार असंख्य गणेश भक्तगण अपने गणपति बाप्पा को घर में लाके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका आगमन का आनंदोत्सव मनाते हैं और जय घोष करते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. घर घर में गणपति बाप्पा तो अनेक युगों से आते रहे हैं, परंतु ये सार्वजनिक उत्सव का आरंभ अपने महान स्वातंत्र सेनानी नेता भारतीय असंतोष के जनक लोकमान्य तिलक, इन्होंने इसका सार्वजनिक रूप किया और सार्वजनिक गणेशोत्सव का आरंभ किया. उसका भी कारण है, गणेश जी तो सबका आरंभ है. संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास स्वामी, अनेक संतों ने और पुराण में भी सबका आरंभ गणपति है. तो उन्होंने विचार किया स्वतंत्रता का आंदोलन का आरंभ करें तो गणपति के उत्सव से, और इसी गणेश जी का उन्होंने सोचा सारी शक्ति, कला, विद्या, सारे ज्ञान का आरंभ गणेश जी से है. तो अपने स्वातंत्र्य संग्राम को भी गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाए और उस उत्सव को उन्होंने आरंभ किया. कारण सारे लोग उस निमित्त से एकत्रित हो जाएंगे और ये अंग्रेजों का जो अत्याचार है उसको नष्ट कर सके. और गणपति बाप्पा ने वो शक्ति दी और वो आंदोलन बढ़ता गया और उसी कारण स्वतंत्रता का हमें फल प्राप्त हुआ. तो फिर से बोलो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया. सत्य देवा
स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच. मी स्वराज्याचा, स्वराज्य माझा, रक्षण कर रे गणराजा. ये लोकमान्य तिलक जी के शब्द थे जिनके वजह से आज हम सब सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाते. उन्हीं लोकमान्य तिलक जी को हम कभी नहीं भूल सकते. बोला गणपति बाप्पा मोरिया, बोला मंगल मूर्ति मोरिया.